दोस्तों आज हम आपके लोकल मशीन या फिर स्टैंड अलोन मशीन पे या आप सिंपल डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कोई भी वेबसाइट जैसे google.com हो facebook.com हो वो कैसे ब्लॉक करनी है वो देखेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं वो आप चेक कर लोगे। मेरा सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट है। उससे पहले मैं एक वेबसाइट, चलो मैं पहले facebook.com ओपन करके देखूंगा कि वो ओपन होती है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे facebook.com डाल के देखता हूँ। आप देख सकते हो कि facebook.com ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकता हूँ। आप यहाँ पे facebook.com देख सकते हो जो कि मेरा पेज ओपन हो रहा है। अब मुझे ये साइड को ब्लॉक करना है मेरे लैपटॉप में, पर्सनल लैपटॉप में, तो मैं कैसे करूँगा आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको माय कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आपको विंडोज़ नाम का फोल्डर मिलेगा। आप उसमें जाके यहाँ पे आपको सिस्टम 32 सर्च करना है। सिस्टम 32 नाम का फोल्डर आपको यहाँ पे मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। फिर से आपको यहाँ पे ड्राइवर नाम का फोल्डर सर्च करना है। ड्राइवर्स, यहाँ पे आपको ड्राइवर नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको ETC नाम का फोल्डर मिलेगा। तो ये इतना ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पाथ देख सकते हो, दिस PC सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स एंड ETC। ATC में आपको यहाँ पे होस्ट नाम की फाइल मिलेगी। ये फाइल आप डबल क्लिक करके रन कर लीजिएगा। ये फाइल आप नोटपैड में ओपन कर लीजिएगा। ये फाइल ओपन होने के बाद आपको ऐसे कुछ दिखेगी। आपको क्या करना है, लास्ट में किसी भी वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है तो उसके लास्ट में, ये फाइल के लास्ट में, जैसे मैं डाल रहा हूँ, एक IP डालना है, वो है 127.0.0.1 और एक बार टैब देके ऐसे वेबसाइट का नाम डालना है www.facebook.com। आप कोई भी वेबसाइट इसके जगह पे डाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो अब मैंने ये फाइल सेव कर दी है। मैं यहाँ पे इसे ओपन करके देखूंगा कि उसमें सेम कंटेंट मेरा आ गया है ना। तो आप देख सकते हो कि एंड में आपने जो भी टाइप किया था वो एज इट इज़ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से मेरे ब्राउज़र की ओर जाऊँगा और यहाँ पे अभी ओपन है तो मैं जस्ट एक एंटर दे दूँगा। तो आप देख सकते हो आपको ऐसे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ओके, आपको फिर इसको अनब्लॉक करना है तो क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, बस आपने जो ऐड किया है वो आपको निकाल देना पड़ेगा। तो आप सेम होस्ट फाइल में जाओगे, उसको नोटपैड में ओपन करोगे और जो भी ऐड किया था वो आप उसे निकाल के सेव कर दोगे। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब इसको मैं डबल क्लिक करके फिर से ओपन करके देखूंगा नोटपैड में। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो लास्ट वाला एंड का जो मैंने ऐड किया था वो निकाल के फिर से मैंने सेव किया है। अब फिर से मैं ब्राउज़र की ओर जाऊंगा और जस्ट यहाँ पे एक एंटर दे दूंगा। तो आप देख सकते हो जो ब्राउज़र है उसमें फिर से facebook.com ओपन हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि आप 127.0.0.1 टैब देके वेबसाइट का नाम होस्ट फाइल में डाल दोगे तो आप उस साइट को ब्लॉक कर सकते हो आपके पर्सनल PC या डेस्कटॉप या लैपटॉप में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।